मेरे साथ इस समय मौजूद है अंबिका सिंह, जितेंद्र सिंह की धर्मपत्नी, वोट डालने आई हैं, वोट डाल चुकी हैं, सीधा जुड़ते हैं उनसे। मैडम आपने वोट डाल चुके हैं, ऐसी चर्चा ही चल रही थी कि अंबिका सिंह भी चुनाव लड़ सकती हैं अलवर से या कहीं से। क्या आपने कभी ऐसा मन में सोचा कि राजनीति में आएंगे या भविष्य में आने की? भविष्य का तो कौन कोई बोल सकता है, पर ये चर्चा तो चलती रहती है, लोगों के मन में कुछ भी है सवाल वो हम कुछ भी सोच लेते हैं, पर नहीं ऐसा कुछ। जितेंद्र सिंह जी का शेड्यूल जो है वो काफी बिजी रहता है क्योंकि वो तमाम तरह के प्रभार हैं, ऐसे में आपको किस तरह से शुरुआत से ये सब चीजें परिवार मेंटेन, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप पूर्ण हाउसवाइफ हैं, घर को ध्यान रखती हैं, चीजें संभालती हैं, किस तरह की दिक्कत है या कैसे चीजें आप? ये तो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, हमारे पूरे घर में सब हैं, पूरा सब हैं, सहयोगी सब सब पिसते हैं साथ में, किसी को नींद नहीं आती, माने 2-3 बजे तक लगे रहते हैं सुबह फिर उठ के, साथ में तो रहना ही पड़ता है। मतलब पहले की और आपकी दिनचर्या में कई तरह के चेंजेस लाइफ में आए होंगे, तो क्या चेंजेस, जैसे आपने कहा कि समय का चेंजेस आया, रात को जगना पड़ता है, चीजें बैक लेनी पड़ती हैं, तो उसके अलावा और क्या क्या चीजें? मेनली तो यही होता है कि खाना पीना तो बिल्कुल ही नहीं होता और नींद भी नहीं होती है पूरी और सब लगे रहते हैं, पर ये है कि आपने अलवर के लिए हो और राजस्थान के लिए हो तो सब में जोश होता है, तो ये सब बातें अपन भूल जाते हैं। अब क्योंकि युवा पीढ़ी भी आने लगी है राजनीति में, तो आपके घर से क्या जितेंद्र सिंह के आपके बच्चे उनको भी आप राजनीति में लाने की कुछ सोचेंगे या ऐसा कुछ है कि भाई वो भी आए राजनीति में? हमारे तरफ से तो अभी ऐसे कुछ नहीं है, पर वो अब सब दो वकील हैं और एक बिजनेस में वो पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश में हैं, और आगे का तो कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, ये थी अंबिका सिंह जी, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ स्टाइल के साथ उनको भी एडजस्ट करना पड़ता है, कई तरह के जीवन में बदलाव हुए, लेकिन बदस्तूर वो खुश हैं और आगे कह रही हैं कि अगर मौका मिलेगा और चीजें होंगी तो बदलाव भी देखने को हो सकता है। राजस्थान तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।